तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्ट वॉच पे अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऐप कहां से डाउनलोड करना है, क्या सेटिंग्स करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरा नाम है सतीश। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो हमें स्मार्ट वॉच की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बॉक्स पे भी देख सकते हैं या फिर स्मार्ट वॉच में या फिर बॉक्स में जो कार्ड है उस पे भी आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा जिससे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको स्मार्ट वॉच में ही यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आप अपने स्मार्ट वॉच के लिए जो क्यूआर कोड है वो कहाँ से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हमको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग खुल जाएगी। उसके बाद नीचे जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे नीचे आपको अबाउट के नीचे ऐप का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद क्यूआर कोड को आपको यहाँ से जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है वहां से क्लिक करके आपको क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन करना है। क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो यहाँ पे लिंक खुल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर लेना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स एक ऐप खुल के आ जाएगा जिसका नाम है डाफिट। तो ये ऐप दोस्तों मैं पहले से ही डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसको सीधे हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल छोटा सा एक सेट करना पड़ेगा कि आप मेल हैं या फीमेल है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाइट और आपकी वेट। तो यहाँ पे हाइट हम 170 रख लेते हैं, इसको डन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वेट है वो भी यहाँ पे सेट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से सेट कर लेना है आपको, मेल फीमेल सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ परमिशंस को आपको मांगा जाएगा डाफिट की तरफ से, म्यूजिक एंड ऑडियो का, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको। ठीक है, अलाउ कर देने के बाद आपका जो है छोटा सा जो प्रोफाइल सेटअप है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपका स्मार्ट वॉच है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे टू ऐड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे मैं ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर देता हूँ, अलाउ करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा लोकेशन को, तो यहाँ से इनेबल कर देते हैं ताकि डाफिट इसको ट्रैक कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बैग चले जाना है। अब जैसे ही बैग जाइएगा तो यहाँ से आपका जो स्मार्ट वॉच है वो सर्च में आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च में आ गया है। नहीं आएगा तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा, आ जाएगा आपका भी। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो स्मार्ट वॉच है वो हो गया है यहाँ पे कनेक्टेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, और यहाँ पे 54% चार्ज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो टुडे एक्टिविटी है वो यहाँ पे शो करेगा, जैसे स्टेप्स हो गया, स्लीप हो गया, हार्ट रेट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल हो गया, और आउटडोर रनिंग हो गया, ये सब यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है स्मार्ट वॉच में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन, अलार्म, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, आप कहेंगे तो एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, अगर सब कुछ बताने लग जाऊं तो यहाँ पे आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अपने टॉपिक की कि आप अपने इसमें स्मार्ट वॉच में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डायलर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे डायलर मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अलाउ, इसको नोटिफिकेशन को अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो अलाउ कर देते हैं एक बार। यहाँ पे बहुत सारे आपको डायलर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से फोटो ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से गैलरी ओपन नहीं होता है। तो थोड़ा सा बैक चलना है हमको। बैक चलने के बाद थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप तुरंत फोटो खींच के लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है, तो यहाँ पे तुरंत जो है आपका फोटो खींच जाएगा और लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से बैक चलते हैं, लेकिन हमें गैलरी से फोटो लेना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका गैलरी खुल जाएगा। तो यहाँ से एक फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फोटो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप साइज थोड़ा सा मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, साइज मिला के, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टिक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो टाइम यहाँ पे फेस पे दिखा रहा है उसको अगर आप नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे नीचे शो होने लगेगा। अगर उसका आप कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अबाउट टाइम, अगर आप कुछ स्टेप से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कितना चले हैं वो भी स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाता है।
आप देख सकते हैं। अगर आप स्लिप ऐड करना चाहते हैं इसमें से, आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं इसको क्लोज ही रखूंगा यहाँ पे, केवल टाइम ही टाइम मेरे को चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से सेट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे सिंपली क्लिक कर लेना है। आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्विचिंग बैकग्राउंड थोड़ा सा लोड होगा ये फोटो, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये फोटो लोड होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोटो है वो शो होने लग जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए फोटो यहाँ पे सेट हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे फोटो सेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।